Hey everyone, मैं हूँ ज्योति, just another girl. Thanks for stopping by. How are you guys? कैसे हैं आप लोग? मुझे comment section में जरूर बताइए. जब आप लोग time निकाल के comment करते हो, उन्हें पढ़ के उनका reply करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. So leave a lovely comment in the comment section. और बात करते हैं आज के video की. तो आज का video जो है, वो एक review video है, जिसमें मैं आप सब के लिए review करने वाली हूँ. टडा, मैं आप सबके लिए रिव्यू करने जा रही हूँ सिट्रा का पिंपल क्लियर फेस वॉश एनरिच्ड विद जापानीज ग्रीन टी. आपने बहुत ऐड देखा होगा इसका टीवी पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे. मैंने भी इसे खरीद लिया है और मैंने नाइका हॉल में इसके बारे में बात भी की थी. मुझे इसे 2 हफ्ते के ऊपर हो चुके हैं यूज करते हुए, एंड आई एम रेडी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की. तो ये जो बड़ा पैक है 100 ग्राम का, ये आता है 140 रुपीस का, और इससे छोटा पैक आता है 50 ग्राम का, जो आता है 75 रुपीस का. तो मैं कहूंगी कि अफोर्डेबल है. अगर आप बड़े वाले पैक के लिए नहीं जाना चाहते तो आप छोटा पैक भी ट्राई कर सकते हो. और ये आपको नाइका पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा. मैंने इसे अभी तक कहीं ऑफलाइन तो नहीं देखा है, मे बी सुपर मार्केट्स में अवेलेबल हो, बट ऑनलाइन ये बहुत ही ईजिली मिल जाएगा. और इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो अगर आप इसे खरीदना चाहो तो आप उस लिंक पर क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं. अगर इसके पैकेजिंग की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी व्हाइट कलर की ट्यूब है, और यहाँ पे ग्रीन टी का पिक्चर बना हुआ है, पीछे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये फ्लिप टॉप कैप है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है और इस तरीके से क्लिक साउंड से बंद होती है. तो ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है. आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो अपने पाउच में, अपने ट्रैवल बैग में. इसके स्पिल होने के कोई भी चांसेस नहीं है. तो इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी. अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स, बट जिस चीज़ के लिए इसका प्रमोशन किया जा रहा है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो है जापानीज ग्रीन टी. और जापानीज ग्रीन टी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. हमारी स्किन को यंगर लुकिंग बनाता है, हेल्दी बनाता है, पिंपल और एक्ने को यू नो प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है. और इनके हिसाब से ये जो फेस वॉश है वो स्किन को फेयर भी करता है. तो उस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहती. तो फेयर वगैरह के लिए आप मुझसे कुछ भी मत पूछेगा, कॉमेंट सेक्शन में भी मत पूछेगा, फेयर वाले साइड पे हम नहीं जा रहे. बात करें कि प्रोडक्ट दिखता कैसा है, तो लेट मी शो यू ऑल. ये व्हाइट कलर का फेस वॉश है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी. और ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा निकाल लिया. जितना क्वांटिटी मैंने लिया है उससे आधी क्वांटिटी आपको लेनी है और आपको पूरा फेस ऑफ पूरा लुक बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है. इतनी क्वांटिटी तो दो बार फेस, इतनी क्वांटिटी से तो दो बार फेस वॉश हो जाएगा. इससे आधी क्वांटिटी लेनी और पूरा फेस ऑफ लुक बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा. ये बहुत ही अच्छा लेदर करता है. सो ये एक जो ये बड़ी ट्यूब है, ये 2-2.5 महीने आराम से चल जाएगी. तो अगर आप छोटा वाला 50 ग्राम वाला ट्यूब लेते हो तो वो बहुत ही ईजिली 1 महीने तक चल जाएगी. आपको 1 महीने के बाद ही दूसरी ट्यूब लेनी पड़ेगी. तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि थोड़ी सी क्वांटिटी में ये पूरे फेस और नेक को अच्छे से क्लीन करता है. और इसकी स्मेल की बात करें तो स्मेल बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है और माइल्ड है और सिट्रसी स्मेल है. स्मेल बहुत ही माइल्ड है. ऐसा नहीं है कि फेस वॉश करने के बाद भी हाथों से या फेस से स्मेल आएगी, बिल्कुल भी नहीं. स्मेल तुरंत चली जाती है और बहुत ही सिट्रसी और माइल्ड स्मेल है. बात करते हैं इनके क्लेम्स की. तो इनका क्लेम है कि ये जो फेस वॉश है ये पिंपल को रिड्यूस करता है और पिंपल को प्रिवेंट करता है. इट मींस कि जो आपके एग्जिस्टिंग पिंपल्स है उनको कम करेगा और आने वाले पिंपल्स को प्रिवेंट करेगा, यानी कि पिंपल होने से बचाएगा. देखते हैं कि ये कहाँ तक सही है. तो अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इसे यूज़ करते करते 2 हफ्ते हो चुके हैं और मैं इसे दिन में 2 बार यूज़ करती हूँ, 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले. और अगर स्किन टाइप की बात करें तो मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, और इसे यूज़ करने के बाद कभी भी मुझे अपनी स्किन ड्राई या स्ट्रेची या खिंची खिंची से नहीं लगी. स्पेशली जो विंटर्स में प्रॉब्लम हो जाती है वो ड्राई स्किन के साथ तो होती ही है, बट बाकी ऑयली और कॉम्बिनेशन वालों के साथ भी होती है ये प्रॉब्लम कि विंटर्स में स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई और खिंची लगती है फेस वॉश करने के बाद. बट इसने मेरे स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया. और ऑयल को कंट्रोल करने की बात करें तो 2 से 3 घंटे तक ये ऑयल को अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है. उसके बाद मेरा टी जोन जो है वो ऑयली होने लगता है, बाकी फेस नॉर्मल रहता है, ऑयली नहीं होता, बट मेरा जो टी जोन है वो ऑयली होने लगता है. सो आई फील कि ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करेगा क्योंकि ये स्किन को ड्राई भी नहीं करता और 2 से 3 घंटे तक मैटिफाई करके रखता है. बट मैं फिर भी कहूँगी जिनकी स्किन ड्राई है वो मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं. मैंने देखा है कि जो पिंपल और एक्ने टारगेटिंग फेस वॉश होते हैं, ज़्यादातर फेस वॉश ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन को टारगेट करते हैं और वो स्किन को ड्राई करते हैं, बट इस फेस वॉश के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है. और अगर फेस को क्लीन करने की बात करते हैं तो ये बहुत ही ईजिली, बहुत ही इफेक्टिवली फेस को, नेक को अच्छे से क्लीन करता है. लगता है कि फेस बिल्कुल
वगैरह सब कुछ क्लीन हो गए हैं, वो भी बहुत ही थोड़े अमाउंट में, और मेकअप को भी बहुत ही अच्छे से डिसॉल्व कर देता है। मेकअप रिमूव करने के बाद अगर थोड़ा बहुत मेकअप फाउंडेशन बेस आपके चेहरे पर रह गया या आई मेकअप रह गया, तो ये मेकअप को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, आपको दोबारा फेस को वॉश करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर इनके क्लेम्स की बात करें पिंपल रिडक्शन एंड प्रिवेंशन, तो रिडक्शन की बात करूं तो जब मैंने इसे अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो मुझे काफी पिंपल्स थे फेस पे, बट इसको यूज करने से वो पिंपल जल्दी ड्राई हो गए। तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, ये आपके जो एग्जिस्टिंग पिंपल्स है उनको ड्राई करता है। अगर आपके फेस पे इन्फ्लेमेशन है, यू नो कई बार पिंपल्स तो ठीक हो जाते हैं बट इन्फ्लेमेशन रह जाती है, वो रेडनेस रह जाती है, तो उससे ये ड्राई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मैं कहूंगी कि डेफिनेटली पिंपल्स को रिड्यूस करता है, बट अगर पिंपल प्रिवेंशन की बात करते हैं तो ये पिंपल्स को प्रिवेंट नहीं करता, आगे फ्यूचर में आने वाले पिंपल्स को ये नहीं रोकता है। सो फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल फेस वॉश है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेस वॉश नहीं कि ये आपके पिंपल्स के लिए वंडर्स कर देगा। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें ओकेजनली पिंपल्स आता है, जैसे कि पीरियड के टाइम पे, या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लिया, बाहर का खाना खा लिया लगातार 3-4 दिन और उसकी वजह से आपके फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि आपके पिंपल्स को ड्राई करेगा। बट अगर आपको हार्मोनल एक्ने हार्मोनल पिंपल्स आते हैं तो ये उसके लिए कुछ नहीं करेगा, ये एग्जिस्टिंग पिंपल्स को तो ड्राई करता है बट जो आगे आने वाले पिंपल्स हैं उन्हें नहीं रोकता, जो कि हार्मोनल एक्ने वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नो मैटर व्हाट उनका पिंपल जाता ही नहीं, कम हो जाता है बट आता रहता है, तो ये उनके लिए सही नहीं है। सो ये पिंपल को प्रिवेंट नहीं करता, तो मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को ने है। अगर आपको ओकेजनल पिंपल्स आते हो तो आप इसके लिए जा सकते हो, बट मैं इसे रीपर्चेज नहीं करूँ। सो यार, ये था मेरा रिव्यू सिट्रा पिंपल क्लियर फेस वॉश पे। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा है, ऑनेस्ट लगा है, पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, आगे आप क्या वीडियोस देखना चाहते हो, और अगर आप ये फेस वॉश यूज कर रहे हो तो आपके लिए ये कैसा काम कर रहा है। और यहाँ से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और उसके बगल में बेल आइकन है तो उसे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं YouTube पे कोई भी अपडेट करूँ तो आपको पता चल जाए। और आप मेरा कम्युनिटी सेक्शन देखते हैं कि नहीं, उस पर मैं रेगुलरली अपलोड करती हूँ, अपडेट करती हूँ अपने पिक्चर्स, अपने चैनल पे क्या नए वीडियोस आने वाले हैं, सब कुछ। तो मेरा कम्युनिटी सेक्शन आप ज़रूर चेक करिए। और अगर आप मुझे Instagram फॉलो नहीं करते तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ। सो यार, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।